नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश तलाश की इनसाइड स्टोरी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, मैं हूं आपके साथ आशा झा। जिसे सात राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसे हरियाणा पुलिस के 56,000 जवान ढूंढ रहे थे, उसे आखिरकार News 24 ने ढूंढ ही निकाला। जी हां, राम रहीम की हनीप्रीत सबसे पहले News 24 के कैमरे में कैद हुई। और सिर्फ कैद ही नहीं हुई, उसने अपने ऊपर जो तमाम आरोप लगे थे उन पर खुलकर सफाई भी दी। आखिर हनीप्रीत तक कैसे पहुंचा News 24, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको खुद News 24 के रिपोर्टर विशाल इंग्लिश बताएंगे, जिन्होंने हनीप्रीत की तलाश को अंजाम तक पहुंचाया। देखिए, 25 तारीख के बाद आप एकदम गायब हो गई, कोर्ट में थी, कोर्ट के बाद आपको आप हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल गई हैं, लेकिन जेल जाने के बाद से लगातार ही आपको सर्च किया जा रहा था, पुलिस भी ढूंढ रही थी, कहाँ थी आप? मैं 25 तारीख के बाद गायब नहीं हुई, मुझे तो पता भी नहीं था, हम तो घर पे थे। उसके बाद जब 1 तारीख को जब एकदम से जब ये लुकआउट नोटिस निकला, तो हमें तो एक कुछ पता भी नहीं होता। एक बच्चा होता है, उसको तो ABCD भी नहीं पता होगी कि भी ये क्या हो गया। जब एक पहले अपने बाप के जो बाप कि अभी ये सुना हो कि भी उसका 20 साल का ही हो गया, हम तो उसी से बाहर नहीं आए थे, उसी के हम तो भी उसी में ही रो रहे थे कि भी ये क्या हो गया हमारे बाप के साथ। उसके बाद जब लुकआउट नोटिस हुआ तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या गया, मैं तो एकदम से डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जैसे मुझे गाइडलाइन ही नहीं ऐसे हुआ कि भी जहाँ पे मुझे समझ आया, एक डर बैठ गया, एक दहशत सी होगी कि भी ये हो क्या गया दिमाग पे। जैसे ही मैं संभली, जैसे भी मुझे हुआ, मैं दिल्ली कोर्ट में गई, मैं भागी नहीं। उसके बाद अब मैं चंडीगढ़ हरियाणा, अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील करूंगी। तो आप नेपाल गई थी? नहीं, मैं नेपाल नहीं गई, मैं अपने देश में ही थी, यहीं थी, मैं कहीं नहीं गई थी। तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं हरियाणा पर पंजाब हाई कोर्ट में जाऊंगी और मैं अपनी जमानत का, जैसे भी वो कहेंगे, वकील कहेंगे, मैं अपने अपने मौलिक और अधिकारों का और पूरा ये अधिकारों का पूरा उठ। 25 तारीख रात 10 बजे, ये वो तारीख है जब से News 24 को तलाश थी हनीप्रीत की। ये वो तारीख है जब राम रहीम की हनीप्रीत को आखिरी बार देखा गया था। राम रहीम जेल के अंदर गया और हनीप्रीत रात के अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई। तब से लेकर आज तक 38 दिन बीत गए, किसी ने हनीप्रीत को नहीं देखा। हमारे लिए बहुत अचरज की बात थी कि हनीप्रीत आखिर कहाँ गई। चैनल में हर रोज हनीप्रीत की तलाश में एपिसोड चलाए गए। हनीप्रीत की तलाश में एक नहीं, दो नहीं, News 24 के 10-10 रिपोर्टर लगे हुए थे। राहुल प्रकाश ने हनीप्रीत की तलाश सिरसा में की, विशाल इंग्लिश ने हनीप्रीत का सुराग चंडीगढ़ पंचकुला में तलाशा, सुशांत गुप्ता हनीप्रीत को ढूंढते हुए रोहतक और बहादुरगढ़ तक गए, अशोक तिवारी ने UP बॉर्डर पर हनीप्रीत की तलाश की। News 24 संवाददाता अमिताभ ओझा हनीप्रीत की तलाश में नेपाल तक चले गए। हम आपको बता रहे हैं कि News 24 वहां कैसे पहुंचा जहां हरियाणा पुलिस नहीं पहुंच पाई, हनीप्रीत की तलाश में News 24 को कैसे सफलता मिली। लेकिन इस सफलता से पहले उस तलाश का जिक्र करना जरूरी है जहां News 24 लगातार 38 दिनों तक चप्पे चप्पे पर हर रोज तलाश कर रहा था, और उस तलाश के हर एपिसोड में वो सुराग भी मिला था और उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए हनीप्रीत तक News 24 पहुंचा था। हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस भी लगातार छापे मार रही थी। News 24 के हाथ एक खबर लगी कि वो राजस्थान के श्री गंगानगर में छिपी हो सकती है। हमारे संवाददाता विशाल इंग्लिश वहां पहुंचे ही थे कि हरियाणा पुलिस ने श्री गंगानगर में हनीप्रीत की तलाश में छापा मारा, लेकिन पता लगा कि हनीप्रीत पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई। फिर अचानक 25 सितंबर को यानी ठीक एक महीने बाद हनीप्रीत का ये CCTV फुटेज सबसे पहले News 24 के हाथ लगा। यहां भी हनीप्रीत की तलाश में सबसे आगे था News 24। पुलिस भी इस वीडियो को देखकर चौंक गई, क्योंकि ये वीडियो राजधानी दिल्ली का था। इसमें हनीप्रीत के दिखने का दावा किया गया। वीडियो के सामने आने के बाद हनीप्रीत की तलाश दिल्ली में होने लगी। पुलिस ने दिल्ली के लाजपत नगर ग्रेटर कैलाश में भी छापे मारे, लेकिन वो यहाँ भी नहीं मिली। हालांकि हनीप्रीत ने यह कबूल किया कि वो दिल्ली में गई थी। दिल्ली आप वकील से मिली थी, उनके घर पे गई थी? जी, मैं गई थी उनके मैं ऑफिस में गई थी, मैं साइन करके आई। News 24 की हर खबर पर मुहर लग रही थी, मतलब साफ था कि News 24 के रिपोर्टरों की तलाश सही दिशा में जा रही थी। विशाल इंग्लिश, News 24, चंडीगढ़।
तो हनीप्रीत मिल तो गई, लेकिन आपको बताएं कि हनीप्रीत को ढूंढना और उस तक पहुंचना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। हमारे रिपोर्टर विशाल इंग्लिश को उस तक पहुंचने के लिए एक बेहद ही खौफनाक सच से गुजरना पड़ा। कैसे पहुंचे वो हनीप्रीत तक, देखिए हनीप्रीत की तलाश की ये इनसाइड स्टोरी। पिछले 38 दिनों से हरियाणा पुलिस न्यूज 24 हनीप्रीत को जगह जगह देश ही नहीं विदेश में भी जाकर ढूंढ रहा था। वहीं पर हम भी लगातार हनीप्रीत की तलाश करते हुए अनेक गांव में गए, अनेक कस्बों में गए, कई घरों के हमने दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन हमें एक ऐसा सोर्स मिला जिसने कहा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हनीप्रीत को वो उनसे मिलवा सकता है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर हम हैरान रह गए। विशाल एंगुरेश, न्यूज 24 के चंडीगढ़ रिपोर्टर। हनीप्रीत को ढूंढने के लिए विशाल ने जी जान लगा दी। वो पंजाब से लेकर हरियाणा तक हनीप्रीत की तलाश में जुटे थे। तभी कुछ दिन पहले विशाल को एक सूत्र ने बताया कि उसे हनीप्रीत का पता मालूम है और वो हनीप्रीत से मिलवा सकता है। उसने न्यूज 24 रिपोर्टर विशाल एंगुरेश को मिलने का वक्त दिया, लेकिन मिलने से एन पहले अचानक वो मुकर गया। ऐसा उस सूत्र ने दो बार किया। फिर अचानक सोमवार रात करीब 8 बजे विशाल एंगुरेश का फोन बजा। फोन उसी शख्स ने किया था जो दो बार अपने वादे से मुकर चुका था, लेकिन उसने फिर दावा किया कि वो हनीप्रीत से मिलवा सकता है और इस बार वो धोखा नहीं देगा। जब तीसरी बार फोन आया, वो शख्स लगातार ही बोल रहा था कि आपको हनीप्रीत से जरूर मिलवाना है। वो न्यूज 24 के माध्यम से अपील करना चाहती है, लोगों को सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर मैंने हनीप्रीत से मिलने का समय मांग लिया। विशाल को हनीप्रीत से मिलने का समय मिल गया था। समय था रात के 1 बजे। विशाल को उस सूत्र ने रात 1 बजे चंडीगढ़ में एक जगह पर मिलने बुलाया। विशाल को ये यकीन होने लगा था कि अब हनीप्रीत जल्दी ही न्यूज 24 के कैमरे में कैद होगी। लेकिन रात 1 बजे के आगे की कहानी कितनी डरावनी होगी इसका अंदाजा नहीं था। रात 1 बजे मेरे पास फोन आया। फोन सुनकर मैं थोड़ा परेशान भी हुआ, लेकिन ये सोचकर के साल की सबसे बड़ी खबर है, इस पर जाना जरूरी चाहिए। और फोन करने वाले ने मेरे को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। रात के 1 बजे एक गाड़ी आई। गाड़ी में बैठकर हम किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। क्या थी वो जरूरी बातें, सुनिए। विशाल को कहा गया कि मोबाइल फोन साथ नहीं होना चाहिए, कैमरामैन के पास भी फोन नहीं होना चाहिए, जो कहा जाएगा बिना सवाल किए वो सब करना पड़ेगा। सबसे डरावनी कहानी रात 1 बजे के बाद शुरू हुई। तय समय पर और तय जगह पर एक कार आई। कार के सारे शीशे बिल्कुल काले थे। न्यूज 24 रिपोर्टर विशाल और कैमरामैन को कार में बैठाया गया और बैठाते ही दोनों की आंखों में काली पट्टी बांध दी गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, ना ही मैं कार में बैठे हुए लोगों को देख पाया कि कितने लोग कार में थे। उन्होंने अपना कैमरा और जो हमारे पास मोबाइल थे उनको बंद करने के लिए कह दिया था और उनको कपड़े से ढक दिया था और साथ के साथ हमारे आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी थी। मेरे कैमरामैन इंद्रजीत की आंखों पर काली पट्टी बांध दी थी और कार चलने से पहले हमारी तलाशी ली जाने लगी थी। हनीप्रीत से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए रिपोर्टर और कैमरामैन को ये रिस्क लेना ही पड़ा। कार चलती रही। करीब 40 मिनट तक कार चली। कार कहां जा रही थी कुछ पता नहीं लग रहा था क्योंकि आंखों में काली पट्टी बंधी हुई थी। कहां
कहाँ जा रहे थे ये मुझे पता नहीं था, लेकिन कार में बैठ कर जो मैंने एक चीज महसूस की कि 20 मिनट तक जो कार थी लगातार ही प्लेन सड़क के ऊपर दौड़ती हुई जा रही थी, लेकिन 20 मिनट के बाद जो रास्ता था वो उबड़ खाबड़ होता हुआ कार हिलती जा रही थी और मुझे महसूस हो रहा था ये किसी गांव देहात की ओर जा रही है, या ऐसा लग रहा था कि शहर से दूर किसी ऐसे अज्ञात स्थान की ओर जा रही है जहां शहर और देहात का काफी बड़ा डिस्टेंस था। करीब 45 मिनट के सफर के बाद एक सुनसान जगह पर कार रुकी, लेकिन विशाल को साफ हिदायत थी कि जब तक बोला न जाए आंखों से पट्टी न निकालें और चुपचाप बैठे रहें। वो जगह इतनी सुनसान दिखाई दे रही थी, हमारे मन में डर लग रहा था, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं और मेरा कैमरामैन इंद्रजीत पूरी तरह अंदर से डरे हुए थे कि कहां आ गए, लेकिन जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई गई तो सामने एक कार खड़ी थी और कार में हमें जाकर बैठने के लिए कह दिया गया। और आखिर वो घड़ी आ गई जब हनीप्रीत न्यूज 24 के कैमरे के सामने थी। उस कार में हनीप्रीत मौजूद थी। कार की पिछली सीट पर एक महिला भी बैठी थी। हमारे कैमरामैन ने कैमरा रोल कर दिया। हनीप्रीत को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देख के ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि न्यूज 24 को हनीप्रीत मिल गई है, जिसको 7 राज्यों की जो पुलिस है वो ढूंढ रही है। जो हनीप्रीत से सवाल पूछने थे वो मेरे दिमाग में थे कि हनीप्रीत से क्या क्या पूछना है। शुरुआत में हनीप्रीत बात करने में थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन न्यूज 24 रिपोर्टर विशाल ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी बात पूरी तरह कानून तक और दुनिया तक पहुंचाई जाएगी। तब जाकर हनीप्रीत ने बात करने के लिए हामी भरी। जिस वक्त रात के अंधेरे में हनीप्रीत न्यूज 24 से बात कर रही थी, हम पर कार के बाहर से भी पूरी नजर रखी जा रही थी। देखिए, ये वो वीडियो है जो हनीप्रीत के कुछ खास लोग बना रहे थे। इसी वीडियो में हनीप्रीत के पीछे एक महिला नजर आ रही है। करीब 15 मिनट तक हनीप्रीत ने न्यूज 24 से बात की, अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का जवाब दिया। बातचीत पूरी होने के बाद न्यूज 24 की टीम को बिल्कुल उसी अंदाज में वापस छोड़ा गया जैसे वहां लाया गया था। सुबह करीब 4 बजे न्यूज 24 रिपोर्टर उसी जगह थे जहां से उन्हें उठाया गया था, लेकिन एक बड़ी कामयाबी के साथ। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेश, न्यूज 24 चंडीगढ़। और आपको बता दें कि न्यूज 24 की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल सिर्फ यही नहीं रुकी, क्योंकि पूछताछ हो रही है गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत से, तो थाने में हनीप्रीत से पूछताछ का ये जो वीडियो है आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज 24। मैं 25 तारीख के बाद गायब नहीं हुई, मुझे तो पता भी नहीं था, हम तो घर पे थे। जब लुकआउट नोटिस हुआ तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या गया। मैं नेपाल में थी, मैं अपने देश में ही थी, यहीं थी, मैं कहीं नहीं गई। मैं विश्वास गुप्ता को 2011 में उसका टॉपिक खत्म कर चुकी। तो मैं डायरेक्टर का जरूर मुझे शौक था, वो भी पापा ने मुझे सिखाया। क्या एक लड़की ऐसे करेगी? बाप बेटी का रिश्ता ऐसा होता है? मेरे हाथ जोड़ के यही है कि भी जो है सच है।